Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So today's video is regarding love life predictions for May month. What are the possibilities we are seeing? What are your energies? What are your partner's energies for each and every zodiac sign? So yes, as per thumbnail, you have understood your Rashi according to your Rashi. This is about your Rashi. Also, if you are new to my channel, so don't forget to like, share and subscribe and also hit the bell icon ताकि मैं जो भी new videos post करूँ आपको उसके update आ सके. साथ ही साथ अगर आप daily tarot reading या आप कोई वास्तु tips and healing remedies के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे definitely follow कर सकते हो Instagram या Facebook पर जहाँ पे आपको daily updates and remedies के बारे में tips मिलती रहेंगी. So yes, इसके बाद में आपकी reading start हो जाएंगी. And also बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ये reading को हम किसके according देखें, हमारी कौन सी राशि के अकॉर्डिंग देखें. सो यस, आप इसको आराम से कनेक्ट कर सकते हैं एज पर आपके सन साइन के हिसाब से या आपके वेस्टर्न जोडियक राशि के हिसाब से या आपके लगन के हिसाब से आपके मून साइन के हिसाब से एंड इनफैक्ट आपके जो नाम का जो भी पहला लेटर होता है जो राशि बनती है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको सन साइन से ही देखें. जो भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं आप उसके अकॉर्डिंग उस वीडियो को देखें. ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल मानी जाएंगी. सो यस, थैंक यू सो मच. इसके बाद में आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी. हाय कैप्रिकॉर्न्स. सो यस, यहाँ पर हम जानेंगे क्या कहते हैं कार्ड्स एज पर फॉर योर लव लाइफ. सबसे पहली चीज़ कैप्रिकॉर्न्स की स्टार्ट ऑफ द मंथ में कैसी एनर्जीज दिख रही हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं. सो यहाँ पर जो आपके लिए पहले कार्ड्स हैं That is the Three of Swords, of course. Three of Swords, of course, pain की बात करता है, heartbroken की बात करता है, तकलीफ की बात करता है. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरी लव लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्यों जो चीज़ मैं चाहता हूँ जैसी मैं चाहता हूँ उसे क्यों कभी सॉर्ट आउट नहीं हो पाती हैं. सो कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न्स स्टार्ट ऑफ द मंथ में थोड़े से मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स या आपको लग रहा होगा पहले से ही चल ही रही है. ऐसा नहीं कि फर्स्ट में से कुछ स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है. बट एनर्जीज़ कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं जहाँ पे एक वो मन परेशान है, उदास है, दुखी है, हर्ट है. एंड सेम चीज़ आपके पार्टनर की साइड से भी दिखती है. मे बी शायद आप दोनों एक साथ रहना चाहते हो बट कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो आप लोग को तंग कर रही है एंड दोनों ही परेशान हैं. दोनों साथ रहना चाहते हो बट दोनों की लाइफ में वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो. सो कैप्रिकॉर्न्स, यू एंड योर पार्टनर दोनों ही स्टार्ट ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं अपनी लव लाइफ में. एंड ये हो सकता है मे बी आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में नहीं कर पा रहे हैं. अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आप हर्ट हो, परेशान हो. तो दोनों ही एक दूसरे को हर्ट करें और परेशान करें. मैं ये नहीं कहूँगी खाली आप ही दुखी और आपके पार्टनर बड़े खुश हैं. आपके पार्टनर भी मुझे इक्वली सैड एंड अपसेट वाली वाइब दिखती है. सो दिस इज़ व्हाट आई सी कैप्रिकॉर्न्स. तो ये अब जैसे जैसे मगर आगे बढ़ते हैं. सो आगे बढ़ते ही आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो द वर्ल्ड के कार्ड्स हैं. अब ये थोड़ा पॉजिटिव कार्ड है स्पेशली वो एस्पेक्ट में जहाँ पर लोग अगर मैरिज के लिए देख रहे हैं. सो यहाँ पर शादी के योग बनते हुए दिख रहे हैं. आगे भी कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं बट वहीं मैं कहूँगी अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो कहीं ना कहीं मिड मंथ में आते हुए एक फ्लो ऑफ डिवाइन इम्प्रूवमेंट, आपको कोई स्ट्रेंथ मिलना, हीलिंग आना, इम्प्रूवमेंट आना, ये सारी चीज़ें आपके इसमें दिखती हैं कि आपको चीज़ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी आपकी लव लाइफ में. दिस इज़ अ गुड थिंग बिकॉज ये सारे ब्राइट कलर्स हैं, हीलिंग है, इम्प्रूवमेंट है, ये दिखता है. आपके पार्टनर के साइड थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी बट अभी भी इनको सपोर्ट लगेगी, इनको इमोशनल सपोर्ट लगेगी कि सिचुएशन में आप अपनी उम्मीद मत छोड़ो. अभी भी रिलेशनशिप में होप्स हैं, रिलेशनशिप अभी भी ठीक हो सकता है. कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप को आप एंड कर दो. रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़, एफर्ट्स, सॉर्ट आउट, फॉरगिवनेस, कॉम्प्रोमाइज़ सब करना पड़ता है. पर आपके पार्टनर को मे बी ऐसा लगेगा कि नहीं यार अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता है, मे बी वी शुड स्टेप बैक. तो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर नेगेटिव भी होते हैं तो आपको आपके पार्टनर को सपोर्ट देनी होगी, समझाना होगा, थोड़ी सी काउंसलिंग देनी पड़ेगी. इट्स ओके, इट्स ओके, लाइफ में चीज़ें हो जाती हैं अच्छी बुरी बट ठीक है, ठीक हो जाएंगी. तो ये वाइब आपको रखनी होगी. आगे जैसे हम बढ़ते हैं एंड में, एंड ऑफ द मंथ के आसपास में, जो यहाँ पे है दी एम्प्रेस के कार्ड्स हैं जो इंडिकेट करता है अगेन जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं. कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि
कोई अच्छे रिश्ते, पक्की बात हो सकती है, शादी हो सकती है, इसकी वाइब्स काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं, तो यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ में आके आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। अब वो रिलेशनशिप के बारे में डीपली सोचेंगे, कुछ एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। अब इसके ना दो एस्पेक्ट हैं इस कार्ड के। अब ये हो सकता है आपके पार्टनर अब उतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है जितने पहले थे, उतने ज़्यादा चिंता में नहीं है। अब अपना या तो वो ध्यान सारा का सारा अपने काम में लगा रहे हैं, आपसे थोड़ी बहुत ठीक है बातचीत शुरू हो जाएगी शायद, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सारा फोकस अपने काम में रहेगा। ये थोड़ा सा न्यूट्रल बिहेव करेंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी नहीं बिहेव करेंगे। सो थोड़ी बहुत उस तरीके की इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। सो ये एक वाइब दिखती है। अब डिपेंड्स, बट आई सी कि थोड़े से तो शांत और काफ़ी बेहतर तो हो रहे हैं, एटलीस्ट जो पहले थे बहुत ही नेगेटिव, उस नेगेटिव से पॉजिटिव तो होते हुए दिख रहे हैं। सो आप अपनी तरफ से ना उनको लव, रोमांस, प्यार, सपोर्ट दे सकते हैं ज़रूर, अगर वो लेने के लिए तैयार हैं। होपफुली उन्होंने आपको इन्हों ब्लॉक वगैरह ना किया हो, अपने आप को सेपरेट ना कर रहे हों आपसे, तो ज़रूर वो कन्विंस होते हुए मुझे दिखते हैं। सो दिस इज़ वॉट आई सी। सो नो इम्प्रूवमेंट एंड ऑफ द मंथ में आते आते सपोर्ट दिख रही है। जितने भी लोग सिंगल्स हैं, मैरिज के लिए दिख रहे हैं, उधर भी इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। जहाँ पर मान लीजिए अगर वो एनर्जी से जहाँ पर ना आपको किसी पार्टनर के ऊपर क्रश है, तो क्या वो पार्टनर आपको सेम एनर्जी देगा एंड वो क्रश वाली एनर्जी और आगे इम्प्रूवमेंट में आएगी, न्यू रिलेशनशिप डेवलप होगा? तो ऑनेस्टली कैप्रिकॉर्न सिंगल्स के लिए मैं ये मंथ को उतना ऑस्पिशियस नहीं कह सकती। इट विल टेक सम टाइम, धीरे धीरे होगा बट होगा, बिकॉज मुझे आपका जो अगर आप सिंगल हो, आप कोई पार्टनर को अपने लाइक करते हो, तो वो मे बी ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से आए हैं, तो कहेंगे देखो मैं ऑलरेडी पास्ट में मैंने बहुत नेगेटिव देखा है, मैं इतना जल्दी कोई रिलेशनशिप में नहीं आ सकता हूँ। सो वो अपने पास्ट के पेन से ऑलरेडी हील हो रहे होंगे, सो दे विल टेक सम टाइम। आगे अगर मैं बात करूँ तो जो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड आए हैं वो है द फाइन बैलेंस के कार्ड हैं। तो ना ये मंथ में आपने ट्राई करना है कैप्रिकॉर्न्स कि आपने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश करनी है। पहली चीज़ बैलेंस वो हो गया कि भैया काम और लव लाइफ में बैलेंस लाएं। अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने काम को इम्बैलेंस कर दें, तो बैलेंस लाने की कोशिश करें। साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप में भी बैलेंस लाने की कोशिश करें। ये नहीं कि नो कि आपके पार्टनर अपसेट हैं, आपसे बात नहीं करें तब तक आप बहुत परेशान रहोगे। दोनों को बैलेंस रखना है, प्यार का भी, स्पेस का भी, कम्युनिकेशन का भी। एंड कभी अगर आपका पार्टनर परेशान है, उसको स्पेस चाहिए, आपको स्पेस चाहिए, तो ना बैलेंस रखना पड़ेगा। बैलेंस कहते हैं एक स्किल की तरह होता है, जितना आप उसको यू नो प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो बैलेंस इज द की। तो चीज़ों को संयम, बैलेंस, नियंत्रण करके आप रखें, आपकी एनर्जीज़ को भी, वॉकिंग भी करें, योगा भी करें, वॉट एवर इट इज़, अपने इमोशंस को भी बैलेंस में आप रखें, मेंटली भी आप बैलेंस रहे, सो आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस मंथ में। एक बहुत ही अच्छा डिवाइन गाइडेंस कार्ड आपके लिए आया है जो कहता है शाइन। इसको ट्रेडिशनल टैग में द सन का कार्ड भी कहते हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स इंडिकेट करता है कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए मे मंथ में, स्पेशली जो लोग, मैंने अगेन कह रही हूँ कि जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं या कोई रिलेशनशिप में एक अपग्रेड चाहते हैं, कमिटमेंट देख रहे हैं, मैरिज एक गोल है उनका, तो वहाँ पर मेरे को इन्हों मैरिज के, बिकॉज यहाँ पे वीनस के भी कार्ड्स हैं, सन के कॉम्बिनेशन के कार्ड्स हैं, तो ये सारे इवेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्गली इंडिकेट करते हैं मैरिज के प्रोसीजर को आगे बढ़ाने में, या अच्छे रिश्ते मिलने में, या उस तरीके की बातचीत या प्लानिंग आपके घर में चल सकती है। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस कार्ड। एंड उसके अलावा भी ये कार्ड ना आपकी लाइफ में एक डिवाइन स्ट्रेंथ, ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी एंड अच्छी एनर्जीज लाता हुआ दिखता है। सो अगेन मे मंथ में कोई ऐसी लव लाइफ में आपके लिए ब्लेसिंग्स, मिराकल, हीलिंग आ सकती है, जो आपको ऑफकोर्स इन बाय डेस्टिनी होगा, ये डेस्टिनी कार्ड है। सो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या ऐसा करें कैप्रिकॉर्न्स की मिराकल आपकी लाइफ में हो जाए, बिकॉज ये अपने आप हो जाएगा। कहते हैं ना कि जब भगवान कोई चीज़ करना चाहते हैं, सो उनको आपकी मदद नहीं लगती, वो बस अपने आप कर लेते हैं, वो भी पलक झपकते हो जाता है मिराकल। तो इस तरीके का कोई मिराकल आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी कि आप कब, कैसे, कहाँ, कितने लोग इसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बट ये समवेयर आई सी सम गुड न्यूज़, सम पॉजिटिविटी, सम हीलिंग, सम ब्राइटनेस आपकी ज़िंदगी में आती हुई, तो ये एक एनर्जी ज़रूर दिख रही है। बट ऑल ओवर मैं कहूँ सैजिटेरियस, सॉरी कैप्रिकॉर्न्स, तो लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपके पार्टनर मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एंड स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। सो मे बी उनको अपनी सपोर्ट एंड स्पेस की भी ज़रूरत है। दिस इज़ वॉट आई सी। अगर उनको चाहिए अकेले रहना तो ठीक है, अकेले रहने देना भी एक टाइप का सपोर्ट होता है कि ठीक है हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए हम आपको वेटिंग पीरियड भी दे रहे हैं, सी हाउ इट गोज। सुनो इस तरीके की चीज़ें भी इंडिकेशन आती हुई दिख रही हैं। एंड जितना आप अपने आप में
खुद पर विश्वास, खुद पर भरोसा, अपने रिलेशनशिप पर भरोसा रखेंगे उतना अच्छा है। ऊपर वाले पे भी भरोसा रखें कि भाई ठीक है, एट द एंड जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो वो तरीके की आप चीज़ें ज़रूर अपने मन में ये जागृत रखें, सो इट्स गुड फॉर यू। सो दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।